हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो पॉइंट्स मैं यहां पर बोल रहा हूं, उसके बाद एक थ्योरम हम लोग इसमें सीखेंगे, एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इसके। देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नाम है ना, एक तो बाइलिनियर नाम इसका बहुत ज्यादा फेमस है और एक मोबियस वाला नाम भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये इतना नहीं है, लेकिन ये दोनों नाम बहुत ज्यादा फेमस है इसके, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी। ठीक है, अब इसने बोला कि यहां जो ए बी सी डी हमने लिए हैं वो लिए हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, और साथ में ये ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो इस तरह के, इस फॉर्मेट के जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बाकी बेसिकली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड इन्वर्जन। इन चारों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फॉर्मेट ये है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इन चारों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो हमने देखते ही समझ गए थे कि हाँ, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन तीन के कॉम्बिनेशन से बना है। अब बाइलिनियर इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना है ये कैसे पता करें, तो उसके लिए थ्योरम है। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये चार होते हैं, तो इन चार के कॉम्बिनेशन से ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाया हुआ है, ये हमें साबित करना है इसमें। तो वो कैसे प्रूव करें, बहुत आसान सी थ्योरम है, तो वो हम लोग इस लेक्चर में ले रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करें पहले तो इस थ्योरम को, तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो। ये हमारे पास है W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इसको थोड़ा ब्रेक करें, हम इसको डिवाइड दे रहे हैं। देखो, यहां z की एक पावर है, नीचे भी z की एक पावर है, तो डिवाइड दिया जा सकता है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड दे रहा हूं इसको। अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा, देखिए ए जेड प्लस बी, यहां पर आप सी जेड प्लस डी लें तो ये डिवाइड जाएगा। ए जेड अगर लेके आना है तो हमें यहां पर a बाई सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो a बाई सी से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ए जेड आ जाएगा और ये ए डी अपॉन सी बन जाएगा। सिंपल सा डिवाइड है, 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा है। देखिए, माइनस करो इसको, माइनस करते ही ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या, बी माइनस ए डी बाई सी, डिवाइड हमारा हो गया। तो अब मैं W को लिख रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं W को, W को आप लिख सकते हो ए बाई सी प्लस ये, प्लस ये रिमाइंडर और उसके डिवाइड में ये, तो ये आएगा b माइनस ए डी बाई सी और डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी, सी जेड प्लस डी। मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ये क्या बनेगा देखिए आप, ये बनेगा अपना a बाई सी तो है ही, प्लस में आप इसका एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा बी सी माइनस ए डी और डिवाइड में c और डिवाइड में ओवरऑल, यहां से मैं c कॉमन ले रहा हूं, सिंगल z में बनाना चाह रहे हैं हम लोग इसको, तो ये z प्लस डी बाई सी बन जाएगा। c हमने जबरदस्ती कॉमन लिया है, इसके पास नहीं था तो डिवाइड में आ गया वो। ठीक है, अब इस c को भी इसके साथ एडजस्ट करो तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा हमारे पास a बाई सी प्लस में ये c इधर ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और ये हो जाएगा z प्लस डी अपॉन सी। मैक्सिमम जितना हम ब्रेक कर सकते थे ना, उतना मैक्सिमम हमने W को ब्रेक कर दिया है, ये हमारा W है। अब ये W किस तरीके से आया है ये हम डिस्कस करेंगे एक बार। देखिए किस तरह से आया है, मैं एक एक स्टेप यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए यार। सबसे पहले तो हमने लिया Z, Z मतलब Z प्लेन में जो भी चीज है वो Z है, उस Z को हमने d बाई सी एड कर दिया, z में d बाई सी एड कर दिया। कुछ एड करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो अगर हम ट्रांसलेशन करें इसका, इसका ट्रांसलेशन करें तो z प्लस d बाई सी ट्रांसलेशन हो गया इसका।
इसके बाद हम इसका इन्वर्जन करें। अगर इसका आप इन्वर्जन करते हो, इन्वर्जन का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन कर देना, वन अपॉन कर दें जेड प्लस डी बाई सी, तो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए किसका यूज लेकर के, ट्रांसलेशन और इन्वर्जन का यूज लेकर के। अब देखिए आप दो काम और करना है यहां पर, एक कर रहे हैं हम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, और दूसरा हम यूज ले रहे हैं रोटेशन। मैग्निफिकेशन और रोटेशन दोनों यूज ले रहे हैं। किस तरीके से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर से, किस चीज को, ये जो पुराना हमारे पास बना हुआ मिला है उसको अगर मैं इस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ABCD सबके सब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के कॉम्बिनेशन से सारा का सारा कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर Z प्लेन में जो भी बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मैग्निफिकेशन और रोटेशन दोनों हो जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर वो रियल नंबर होता तो केवल मैग्निफिकेशन होता, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैग्निफिकेशन प्लस रोटेशन दोनों होगा, तो यहां पर मैग्निफिकेशन और रोटेशन दोनों हो गया, और इसके थ्रू ये फाइनल बन गया वन अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी, हमने जो पुराना आया था उसको इस वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहां तक तो बना चुके हैं, आखिरी काम और करना है, जो भी आया है उसमें कुछ ऐड करना है। कुछ ऐड करने का मतलब क्या होता है, हमें ट्रांसलेशन मैपिंग का यूज लेना पड़ेगा, तो मैं ट्रांसलेशन मैपिंग का यूज ले रहा हूं, तो एक बार और ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में यहां लिख रहा हूं, तो ट्रांसलेशन में क्या कर रहे हैं हम, ए अपॉन सी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ए अपॉन सी ऐड कर दो इसमें, इस पूरे में ऐड करोगे तो बन जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू जेड प्लस डी अपॉन सी, और हम डब्ल्यू तक पहुंच चुके हैं। कहां से पहुंचे हम जेड से स्टार्ट किए थे और हम फाइनली पहुंच गए हैं, ये W ही है, W तक पहुंच गए हैं। Z से स्टार्ट करके W तक पहुंचने में ट्रांसलेशन यूज आया, ये हो गया, इन्वर्जन यूज आया, ये आ गया, मैग्निफिकेशन यूज आया और रोटेशन यूज आया। ट्रांसलेशन दोबारा यूज आ गया वो कोई इशू नहीं है, कोई चीज दोबारा यूज आ जाए वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इन चारों के कॉम्बिनेशन से ये बना है, ये साबित हो गया कि Z से W तक पहुंचने में इन चारों की हेल्प हमने ली है। तो इस तरीके से आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हो जिसमें साफ साफ ये चारों यूज आ रहे हैं। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन चारों का मिक्सर होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस किया था। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हम लोगों को जेड प्लेन में मैपिंग निकालनी होगी, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जिसमें जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में दोनों में दे रखा होगा हमें क्या क्या है, और बीच की मैपिंग निकालनी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन बताना होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।